ये तो मोदी जी से पूछिए कि डरे हुए हैं कि नहीं डरे, पूछे हैं कभी, जाइए मोदी जी से भी मिलिए, मिल के बात कीजिए। कोई खराब बयान नहीं, बढ़िया बयान है कि तबीयत खराब हो तो अस्पताल में जाइए। तो सर क्या मंदिर नहीं होना चाहिए देश में? मंदिर कहे नहीं होने, मंदिर कोई नया बन रहा है क्या? मंदिर तो देश में हजारों लाखों मंदिर है, पहले से है। दावेदार हों, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और इतने 18 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, तो दावेदारी उनकी कोई गलत थोड़े है। नमस्कार, जन अखबार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। वैशाली से पूर्व सांसद रामा सिंह जी हमारे साथ है, जिनसे बात करेंगे अहम मुद्दों पे, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले सर आपको जन अखबार में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आपको भी 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामना और बधाई। सर मुद्दा उसी पे बात करेंगे जो अभी पूरा देश में हाईलाइटेड चल रहा है, राम मंदिर को 22 तारीख का उद्घाटन है उसको लेकर तेजस्वी यादव का एक बयान आया है कि अगर आपका तबीयत खराब होता है तो आप हॉस्पिटल में जाएंगे कि मंदिर में जाएंगे, आप क्या इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बयान है कि तबीयत खराब होगा तो अस्पताल में ही जाएंगे, तो इसमें कोई खराब बयान थोड़े ही है, कोई खराब बयान नहीं, बढ़िया बयान है कि तबीयत खराब हो तो अस्पताल में जाइए। क्या मंदिर नहीं होना चाहिए देश में? मंदिर कहे नहीं होने, मंदिर कोई नया बन रहा है क्या? मंदिर तो देश में हजारों लाखों मंदिर है, पहले से है। तेजस्वी यादव जी को भी निमंत्रण मिला है, नीतीश कुमार जी को भी मिला है, बहुत सारे ऐसे नेता मंत्री आपको भी हो सकता है मिला होगा, तो क्या लगता है कि बिहार से कितने के कागार में मंत्री विधायक या नेता लोग जाएंगे? देखिए जिनकी इच्छा होगी वो जाएंगे, जिनकी इच्छा नहीं होगी वो नहीं जाएंगे, और सब लोग जो है धर्म के प्रति आस्थावान लोग हैं, सभी लोग धर्म के प्रति आस्थावान हैं, लेकिन आपके अनुसार जो है और जैसे आप थोपिए वैसे थोड़े चला जाएगा, तो सब लोगों को अपना अपना उसका निर्वाह करने का, धर्म के प्रति जो लोगों का दायित्व तो है उसका निर्वाह कैसे होता है वो सब लोग जानते हैं। इसे देश के जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म के लोग, किसी भी मजहब के लोग, वो जानते हैं। मुसलमान हैं तो नमाज जाते हैं, पढ़ते हैं, ईसाई हैं तो चर्च में जाते हैं, हिंदू हैं तो मंदिर में जाते हैं, तो सब लोग अपने धर्म के बोध जो है सभी लोगों को है, तो इसके लिए किसी के निर्देश की ज़रूरत नहीं है। और निर्देश जो देने वाले लोग हैं वो अपना ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो ब्रांडिंग कर रहे हैं तो उसे क्या मतलब है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जो आपका मत हो उस मत को हम माने ही, हमारा अपना मत है, हमारी आस्था है, उसको जैसे भी हो वैसे उस ढंग से हम। सर प्रॉपर तरीके से राम मंदिर अभी बना भी नहीं था, क्या इतना जल्दी था बीजेपी वालों को कि अभी उद्घाटन कर रहे हैं, इसको लेकर क्या? चुनाव है सामने, चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा का चुनाव है तो सब लोग चाहेंगे कि भाई हम राम का कृष्ण का ब्रांडिंग करने वाले लोग सब हैं तो रामे कृष्ण के नाम पे वोट चाहेंगे कि भाई हम लें। इसीलिए कहीं ना कहीं मोदी जी को डर तो नहीं सता रहा है ना कि आने वाले जो चुनाव में कहीं हम हार जाएंगे तो राम मंदिर का दूसरा कोई उद्घाटन कर देगा, इसलिए उनको जल्दी है क्या? नहीं तो मोदी जी से पूछिए कि डरे हुए हैं कि नहीं डरे, पूछे हैं कभी, जाइए मोदी जी से भी मिलिए, मिल के बात कीजिए, मोदी जी के मन में क्या है। लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं सर? लोकसभा चुनाव हमने पहले भी आपको कहा है कि चुनाव हम लोग प्रतिदिन चुनावी मोड में ही रहते हैं, 5 साल जो समय होता है 365 दिन का, उस सभी में हम लोग चुनावी मोड में रहते हैं। अभी देखिए बैठे हुए आपके सामने ही बैठे हुए आरा के लोग बैठे हुए हैं, पटना के लोग हैं, वैशाली के लोग हैं, सब जगह के लोग इसी जगह आपको मिल जाएंगे बैठे हुए हैं, और हम लोग का प्रतिदिन का कार्यक्रम ये रहता है, तो इसलिए हम लोग का अलग से चुनाव से संबंधित कोई तैयारी नहीं, कभी नहीं रही। सर इस बार आपने मूड बना लिया है कि इस बार लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर से, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या वाकई में आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए ये सब जो है, अब चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये सब बात कहाँ, हाजीपुर तो रिजर्व सीट, हाजीपुर रिजर्व सीट है, और अभी ये सब बात कहाँ से आ रही है कि भाई कौन लड़ेगा नहीं, अभी तो सीट शेयरिंग का ही फाइनल नहीं हुआ, तो कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये सब तो सीट शेयरिंग के बाद जो है तय होना। अच्छा, सीट शेयरिंग को लेकर भी पूरा महागठबंधन में हंगामा मचा हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? सब कोई चाहता है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सीट। हाँ देखिए सब लोग चाहता है, निश्चित रूप से चाहना भी चाहिए, सब लोग जो है राजनीति करते हैं, देश की राजनीति पे कांग्रेस का भी आज इतना दिन से है, सभी पार्टी को चाहिए, निश्चित रूप से सब लोग सोचते हैं कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े, तो इसीलिए सब लोग, लेकिन कहीं भी कोई उथल पुथल नहीं है, कहीं भी किसी तरह का कोई बात नहीं है, सब जो है सामान्य। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कि फिर से इस बार पलटी मारेंगे, फिर से वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? कहाँ नाराज नजर आ रहे हैं, कहाँ नाराज नजर आ रहे हैं, कहीं तो कोई उस तरह की नाराजगी नहीं है,
जो बातें होनी चाहिए उचित प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, रखता तो रखना कोई गुनाह नहीं है, बात हो रही है, सब सामान्य तरीके से चल रहा है, कहीं कुछ भी उथल पुथल जैसा कुछ भी नहीं है, सब समान है और आपको 14-15 के बाद स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी, आपको नजर आएगा। सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि इंडिया गठबंधन में जेडीयू मांग कर रही है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के दावेदार हों, क्या कहेंगे इस पर? नहीं नहीं, दावेदार हों तो नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और इतने 18 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, तो दावेदारी उनकी कोई गलत थोड़े है, दावेदारी अपना कर रहे हैं, ठीक ही है, अच्छा है। सहमति बनेगी इंडिया गठबंधन में, सहमति बनेगी, जो जिस पर सहमति बनेगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। वैशाली से पूर्व सांसद रामा सिंह जी को आप सुन रहे थे, आपका क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।